पंच नद पंजाब के एक मुख्य नद है रावी या इरावती। इस इरावती के तट पर चंबा जिला अवस्थित है। यह हिमाचल राज्य में पड़ता है। ये चंबा जिला में हर साल जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक मणिमहेश यात्रा होता है और इसे देखने के लिए देश की हर जगह से हजारों भक्त यहाँ समावेत होता है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हिमालय के तट पे ये परम शैव तीर्थ मणिमहेश के दर्शन के लिए। ट्रैवलर डॉक्टर अनिंद्य ये चैनल को अब ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है मणिमहेश यात्रा के लिए पहले पड़ाव, इसको हटसर कहते हैं। ये हटसर से हम लोग मणिमहेश के यात्रा शुरू करेंगे। हटसर आने के लिए आप चंबा से या तो गाड़ी में आइए, नहीं तो भरमौर से हेलीकॉप्टर से आप डायरेक्ट मणिमहेश आ सकते हैं। पहाड़ों के बीच में प्रकृति के ये सुंदर नज़ारे आपका थकान दूर कर देगा। मणिमहेश जाने में आपको दो दिन, जाने में और लौटने में एक दिन अर्थात तीन दिन लगता है। आप घोड़े से भी सफर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने घोड़े से हटसर से सीधा मणिमहेश यात्रा किए थे। अब हम पहुंच गया है बाबा बोनी मणिमहेश की दरबार में। यह है पवित्र मणिमहेश रथ या लेक और पीछे मणिमहेश कैलाश। आप दर्शन कर रहा है मणिमहेश कैलाश का। भारत में जो चार कैलाश है उनमें से एक है यह हिमाचल में स्थित मणिमहेश। आप जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को मेरे तरफ से आंतरिक अभिनंदन और शुभकामना। नमस्ते।